फाइनली मेरे टैंक पैड्स आ गए हैं इंटरसेप्टर के लिए मोटोन कस्टम से। सो आज हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इज इट फिटिंग फाइन, इज इट लुकिंग लिटिल शॉर्ट, और इट्स आउट ऑफ डिज़ाइन, और इज इट सिंकिंग परफेक्टली एज डिज़ाइन। सो लेट्स गो एंड इंस्टॉल दीज टैंक पैड्स। सो अभी हम रेडी हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए, बट उससे पहले चेकलिस्ट देख लें कि हमें क्या क्या चाहिए एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए। एक तो सेट ऑफ क्लीन क्लॉथ जो हमें चाहिए होगा, एक डिग्रीजर चाहिए, और अपने टैंक पैड्स जो हम इंस्टॉल करेंगे। अब डिग्रीज़र इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब हम कभी भी ड्राइव कर रहे हो तो इन्वायरमेंट में बहुत सारा ग्रीस रहता है, वो आपके टैंक पे रहता है, तो उसकी वजह से जो एडहेसिव है इसके पीछे, जो इसके पीछे एडहेसिव है यहाँ पर, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से चिपक नहीं पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू स्टिक ऑन द टैंक विद द फुल स्ट्रेंथ, तो वो हमें चाहिए। और यूजली ये भी होता है, हमने कभी ना कभी बाइक सर्विस पे दिया होता है, वो पॉलिश करते हैं और ऑयल या कुछ भी लगा रहता है उस पर, तो वो एक लेयर क्लीन कर देता है, तो इससे ये एडहेसिव जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ चिपक जाएगा। सो दीज आर आर चेकलिस्ट एज ऑफ नाउ। मैं यूज़ कर रहा हूँ मिस्टर मसल। सो लेट्स स्टार्ट विद आर इंस्टॉलेशन। सो हम इसको डीग्रीज कर लेंगे, विल जस्ट वाइप इट ऑफ, कंप्लीट वाइपिंग कर लेंगे टैंक के साइड की, जिससे कि ये बिल्कुल डीग्रीज हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। एंड ऐसे ही ये प्रोसेस हम दोनों साइड के लिए रिपीट करेंगे। अब सेट करके हम देख लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशन हो रहा है टैंक पैड हमारे बाइक के टैंक पे, एंड देन हम क्या करेंगे कि इसको हाफ पील करेंगे पीछे से, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। पैड को के एडहेसिव को हाफ पील करेंगे, और हाफ पील पे ही हम इसको फर्स्ट अटैच करेंगे, ताकि अगर लेटर ऑन हमें एडजस्ट करना भी पड़े तो वी कैन एडजस्ट इट बैक। अपना जो टैंक पैड है उसको हाफ पील किया है, और अब मैंने इसको टैंक पे अटैच किया है, तो अब आप देख सकते हैं इट्स हाफ पील्ड, और पीछे से थोड़ा सा रैपर भी दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको लेटर ऑन एडजस्ट भी करना पड़ा तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको हाफ पील करके देन आई विल सी के मतलब ये एज़ पर डिज़ाइन सही, एज़ पर द ज्योमेट्री जो बाइक की लाइंस हैं, टैंक लाइंस हैं, उसके हिसाब से ठीक एंगल पे है या नहीं है, तो उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोसेस। सो अभी दिस इज़ जस्ट लिटिल स्टक राइट नाउ। तो अब देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि एंगल सारे ठीक बैठे, और इट इज़ लुकिंग इन सिंक एज पर द लाइन्स, टैंक लाइन्स जो है, जो टैंक की सिंक्रनी है डिज़ाइन की, उसके हिसाब से ठीक जा रहा है। तो लेट्स कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। मैंने टैंक को पे अब मैंने टैंक पे पैड को कंप्लीट पील कर दिया, और अब मैं इसको लाइट हैंड से प्रेस करूँगा इस पर। मेक श्योर कि आप इसको हार्ड प्रेस ना करें, क्योंकि फॉर फर्स्ट 8 to 10 hours इट विल टेक अराउंड 50% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ टू गेट स्टिक ऑन, एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 24 to 30 hours इट विल गेन इट्स कंप्लीट स्ट्रेंथ। इस तरह से आई एम जस्ट प्रेसिंग इट। सो जस्ट प्रेस इट विद द लाइट हैंड। सो अब हम दूर से देखते हैं कि कैसे आया है ये हमारा टैंक पैड। प्रिटी मच इन सिंक विद द डिज़ाइन ऑफ द मोटरसाइकिल। इट इज़ नॉट लुकिंग बिग, इट इज़ नॉट लुकिंग शॉर्ट। इंस्टॉल हो गया है। अब चैलेंज यूजुअली क्या आता है कि ये जितना जिस एंगल पे या जिस लेवल पे हमने ये वाला टैंक पैड इंस्टॉल किया है, उसी डिज़ाइन के हिसाब से दूसरा भी इंस्टॉल होगा कि नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी देख रहा होगा तो वो एक ही साइड से टैंक को देखेगा, आपके दोनों साइड से टैंक को कभी नहीं देखेगा। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इट हार्डली मैटर्स, बट अगर आपको रीएडजस्ट करना है तो मैंने आपको उसको टेक्निक बता दी है कि पहले हाफ पील करें। व्हेनेवर यू आर इंस्टॉलिंग द टैंक पैड, उसको पहले हाफ पील करो। सो अभी हमारे टैंक पैड्स इंस्टॉल हो गए हैं दोनों साइड पे, यू कैन सी बोथ ऑफ द साइड्स हाउ इट्स लुकिंग।